हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग लेसन नंबर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल. नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन फर्स्ट वी डू द एक्टिविटी. टेक अ बेंड ट्यूब एंड फिक्स इन अ रबर कॉर्क. आफ्टर दैट टेक टेस्ट ट्यूब. In that test tube, add lime water. Take another test tube and take some sodium bicarbonate, powder of sodium bicarbonate, and then add what we have to add lemon juice. अब क्या होगा? जैसे आप उसमें lemon juice add करते हो, तो क्या करना है? वो जो bend tube है, वो किसमें fix करनी है? Bend tube उसके ऊपर क्या करनी है? Test tube में वो जो अलोंग विथ कॉर्क, तो वो क्या करेंगे? हम फिक्स करेंगे एंड इंसर्ट अदर एंड ऑफ द बेंड ट्यूब इन अ लाइम वाटर. नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व, हमें क्या दिखेगा उसमें? देयर इज अ इफर्वेंसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब लाइम वाटर लेमन जूस के साथ क्या होता है? रिएक्ट होता है, तो क्या होता है उसमें? देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ विच गैस? कार्बन डाइऑक्साइड. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जब वो किसमें पास होगा? When it pass in a lime water. So what we observe, that lime water turns milky. So this is the test for the detection of carbon dioxide. So इससे हमें क्या समझ में आता है? When salts of carbonate and bicarbonate react with acids, there is a formation of, क्या form होता है? Salts and carbon dioxide gas. So see the reaction. When baking soda reacts with hydrochloric acid, there is a formation of salt, sodium chloride, carbon dioxide gas and water. Baking soda is also called sodium hydrogen carbonate. Baking soda का दूसरा नाम क्या है? Sodium hydrogen carbonate. Now we see the chemical reaction. So baking soda, NaHCO3, when it reacts with HCl, hydrochloric acid, so there is a formation of NaCO3 solid state. This is in aqueous form, so there is a formation of NaCl plus CO2 plus water. So this is the neutralization reaction. Now that CO2 When react with calcium hydroxide, जब ये CO2 तैयार होता है तो हम उसको किसमें पास करते हैं? लाइम वाटर. तो ये लाइम वाटर क्या हो जाती है? मिल्की. तो वो जो रिएक्शन है वो क्या होगी? लाइम वाटर, वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर? कैल्शियम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH ट्वाइस. इट रिएक्ट विथ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज द गैस एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस फॉर्म. सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स एंड बायकार्बोनेट्स ऑफ मेटल. आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द सॉल्ट्स, टाइप ऑफ सॉल्ट. If we take 10 ml aqueous solution of sodium chloride, ammonium chloride or sodium bicarbonate, then measure the pH of each solution with the help of pH paper. So what we observe, some are acidic in nature, some are neutral or some are basic in nature. Means during neutralization reaction, we already studied about the न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? जब एसिड रिएक्ट होता है बेस से, तो क्या होता है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. सो ड्यूरिंग दैट, व्हेन सॉल्ट इज फॉर्म, इट इज नॉट ऑलवेज न्यूट्रल. यानी जब सॉल्ट फॉर्म होते हैं तो वो न्यूट्रल, हर बार वो न्यूट्रल रहेंगे ऐसा नहीं है. इट इज नॉट कंपल्सरी दैट सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर न्यूट्रल. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्ट. That is, first is the neutral salt, acidic salt and basic salt. So what is neutral salt?
इट इज फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो न्यूट्रल सॉल्ट कैसे तैयार होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इनके बीच में जब केमिकल रिएक्शन होती है तो जो सॉल्ट तैयार होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, न्यूट्रल सॉल्ट। सो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, देन पोटेशियम सल्फेट, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, KCl3 दैट इज पोटेशियम क्लोरेट एंड KCl4 दैट इज पोटेशियम परक्लोरेट। देन वी सी द एसिडिक सॉल्ट। अब ये एसिडिक सॉल्ट क्या है, तो ये कैसे तैयार होते हैं, व्हेन देयर इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, यानी यहाँ पे रिएक्शन किसके बीच में होंगी, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो जो सॉल्ट तैयार होंगे उसे क्या कहेंगे हम, एसिडिक सॉल्ट। तो एग्जांपल क्या है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। देन वी सी द बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट जो है ये कैसे तैयार होते हैं, इट इज ऑल्सो फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें रिएक्शन किसके साथ होंगी, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सो इट इज कॉल्ड एज द बेसिक सॉल्ट। और इसके एग्जाम्पल क्या है, NaHCO3, देन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CH3CONa सोडियम एसीटेट, KCl पोटेशियम साइनाइड, Na2S दैट इज सोडियम सल्फाइड। सो ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसिक सॉल्ट। नाउ वी सी सम केमिकल रिएक्शंस ऑकर ड्यू टू द सॉल्ट्स, मीन्स कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ मेटल विथ एसिड। सो वी सी फर्स्ट दैट इज कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस डाइल्यूट HCl। सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्म होगा, अनदर सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस क्या होगा यहाँ पे, कार्बोनेट सॉल्ट प्लस डाइल्यूट HCl, अनदर सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। नाउ वी सी फर्स्ट रिएक्शन, सबसे पहले Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट विल रिएक्ट विथ HCl, सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NaCl प्लस CO2। Now that Na2CO3 solid, this is aqueous form, NaCl is aqueous form and CO2 is in gaseous form. Then second reaction, again sodium carbonate again react with sulfuric acid H2SO4, solid aqueous form, so there is a formation of, इसमें क्या form होगा, Na2SO4 plus CO2. Then we see third reaction, CaCO3 that is calcium carbonate react with twice HNO3. So there is a formation of CaNO3 twice aqueous plus CO2 plus H2. And fourth reaction that is K2CO3 potassium carbonate when react with sulfuric acid H2SO4, so there is a formation of K2SO4 plus CO2 plus water. So this is the reaction of carbonate salt of metal with dilute acid. So there is a formation of another salt of metal plus carbon dioxide. NaCl is a neutral in nature, it is a neutral salt. Sodium sulfate is also the neutral salt. So these are the reactions. After that we discuss about the bicarbonate salts bicarbonate salt of
metal plus dilute HCl gives, इससे क्या मिलेगा? अनदर सॉल्ट ऑफ मेटल, अनदर सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस CO2 प्लस वाटर. सो नाउ वी सी फर्स्ट रिएक्शन. वी टेक सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसके साथ रिएक्ट होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NaCl प्लस CO2 गैस प्लस वाटर H2. दिस इज एक्वियस, एक्वियस ये सॉलिड और ये एक्वियस. देन वी सी अनदर एग्जाम्पल दैट इज KHCO3 दैट इज पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ HNO3. HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड. तो इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होगा? दैट इज KNO3 प्लस CO2 प्लस वाटर, दिस इज गैस. देन वी डिस्कस थर्ड रिएक्शन. अब ये थर्ड रिएक्शन क्या है? अगेन सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इट रिएक्ट विथ CH3COH एसिटिक एसिड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इथेनोइक एसिड. तो क्या होगा यहाँ पे? CH3COONA दैट इज सोडियम एसिटेट प्लस CO2 वी शो बाय दिस अपवर्ड एरो प्लस वाटर एक्वियस. सो दिस इज द रिएक्शन between bicarbonate salts of metal plus dilute HCl. So there is a formation of another salt of metal plus release of carbon dioxide and